झटके में योगी ने छीन ली आजम की जमीन। जौहर ट्रस्ट पर सरकार ने चपका दिया नोटिस। रामपुर पब्लिक स्कूल को मिले 7 दिन। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व काबीना मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो एक झटके में योगी सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन को छीन लिया, जिसके बाद अब जौहर ट्रस्ट पर सरकार ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बता दें कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट को सरकारी नोटिस थमा दिया गया है, साथ ही उनके रामपुर पब्लिक स्कूल को भी 7 दिन के अंदर खाली कर देने की मोहलत देते हुए चेतावनी दे दी गई है। यदि स्कूल खाली ना किया गया तो प्रशासन कब्जा कर लेगा। सपा दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने की नोटिस में साफ साफ लिखा है कि हफ्ते भर के अंदर भवन खाली कर दें। इस मामले में सरकार का पत्र मिलते ही जिला अधिकारी ने 5 सदस्यों की कमेटी भी गठित कर दी। बता दें कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से नोटिस मिला है। बता दें कि रामपुर में आजम खान का जिस इमारत में समाजवादी पार्टी का दफ्तर संचालित होता है, उसी इमारत के आधे हिस्से में उनका निजी रामपुर पब्लिक स्कूल भी चलता है। गुरुवार देर रात 9 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से आजम खान के इसी रामपुर पब्लिक स्कूल पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। ये नोटिस प्रबंधक मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट जनपद रामपुर के नाम से है, जिसमें उनको 7 दिन के भीतर स्कूल भवन को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इस नोटिस में कैबिनेट के निर्णय का हवाला देते हुए 7 दिनों के भीतर भवन को खाली करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा भवन पर कब्जा कर लेने की चेतावनी भी दी गई है। अब आखिर ये नोटिस क्यों, किसकी वजह से लगाया गया, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आजम खान के धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले को लेकर शिकायत सीएम योगी से की थी, जिसमें कहा गया था कि आजम खान ने 100 करोड़ की इमारत पर महज 100 रुपए सालाना की लीज पर कब्जा कर लिया है, जिसका संज्ञान शासन ने लिया। जिस संपत्ति की बात आकाश सक्सेना ने की है, उस पर सपा का कार्यालय और आजम खान का निजी स्कूल चल रहा था। दरअसल रामपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जिसका नाम दारुल आवाम है। ये दफ्तर जिस इमारत में है, इस इमारत में पहले कभी मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था। इस इमारत को आजम खान ने खाली कराकर 100 रुपए सालाना की लीज पर जौहर ट्रस्ट के नाम पर लिया था। इसके बाद आजम खान ने इस इमारत में अपना समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय बना लिया था। कुछ वक्त तक इस पूरी इमारत में आजम खान का कार्यालय संचालित होता रहा, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में आजम खान ने इस आलीशान इमारत के लगभग 70% भाग में अपना निजी रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित करना शुरू कर दिया। वहीं बचे हुए हिस्से में आजम खान का समाजवादी पार्टी का दफ्तर संचालित होता रहा। मामले की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजम खान को लीज पर दी गई ये जमीन वापस लेने का फैसला कर लिया और अब उनके स्कूल पर नोटिस चिपका दिया गया है, जिसके चलते अब 7 दिन के अंदर उन्हें स्कूल की जगह को खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आजम खान और उनका पूरा परिवार पहले से ही सलाखों के पीछे है। 2 फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। एक तरफ जहां योगी सरकार बैक टू बैक आजम को निशाने पर ले रही है, तो उधर अखिलेश यादव आजम को लेकर सरकार पर हमलावर है। बहरहाल चुनावी मौसम में आजम का मुद्दा गर्म है और इसको लेकर सपा और बीजेपी आमने सामने है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।